हम लोग तो बहुत एक्साइटेड हैं कि इतना कुछ के बाद फाइनली फिल्म रिलीज़ होने वाली है, लेकिन लड़ाई तो है आई थिंक सेंसर बोर्ड से, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगी कि जो आम दौर पे हम जिनसे भी मिले हैं रेगुलर पब्लिक से ऑन इन स्पेशली मीडिया से जिनसे भी बात किए हैं, सब बहुत सपोर्टिव रहा है. एवरीबॉडी हैज़ बीन सो सपोर्टिव. एवरीबॉडी हैज़ सेड व्हाई इज़ देयर सच अ बिग डील अबाउट द सेंसर, व्हाई आर दे सेंसरिंग, वी रियली वॉन्ट टू वॉच द फिल्म. और बहुत साथ दिया है लोगों ने और मीडिया भी. सो आई डोंट सो आई रियली फील दैट पीपल आर विथ अस. मैं बहुत क्लियर हूँ. मैं फिल्म मेकर हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं वुमन हूँ, मैं इंडियन सिटीजन हूँ, और मुझे किसी से डर नहीं लगता इस तरीके से. जो मैं सिंसियरली ऑनेस्टली जो मैं कह रही हूँ, आई बिलीव इन इट. मुझे लगता है कि औरतों और पुरुषों का इक्वल राइट होना चाहिए अपनी कहानियाँ बताने का, और मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई डाउट है. और मुझे जितना मुझे मालूम है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी करता है कि हम एक फ्री और डेमोक्रेटिक कंट्री है, और इस फ्री और डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरीके की सेंसरशिप का कोई रोल नहीं है. वी हैव डन नथिंग रॉन्ग. आई मीन इट्स नॉट लाइक वी हैव कमिटेड अ क्राइम और डन एनीथिंग रॉन्ग. वी आर जस्ट टेलिंग द एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन. This is not a crime. The crimes are things like female infanticide, violence against women. These are the crimes. So we should be very clear, like what is the right thing and what is the wrong thing. You know, these are just different perspectives and different experiences which are being told on screen, and they should be treated accordingly. I am an adult, and I can't decide what film I want to watch. You tell me it's an adult film. Maybe I won't take children to see it. You know that. I mean, but if you just tell me if it's an adult film or it's a UA or it's a U film, that's all. And I have to know. Many more categories. Have more categories. Ki above 13, above 18, above 20, whatever. Have more categories. But other than that, how can you? You're telling me it's an adult film. I've decided, okay, chala, I want to watch this film, even if it's an adult film. I go to watch it, then I find that I'm not being given a choice. You are taking away my choice from me by telling me what I can watch and what I can't watch. Why are you doing that? And who has given, we as citizens of India should not give them the right to do this, no?